आज हम आपको गले में जो बुकरम यूज होती है, गले की कटिंग, वो हम आपको सिखाएंगे। हमें इसके लिए चाहिए, ये जो हमारी बुकरम की चौड़ाई है, ये हमें 7 इंच चाहिए। हमारा 5.5 इंच गला बनेगा, बाकी हमें थोड़ी एक्स्ट्रा भी चाहिए होती है। ये हमारा 7 इंच, देख लीजिए, 7 इंच हमें इसकी चौड़ाई चाहिए और हमें इसे डबल कर लेना है। कोई भी किसी भी डिजाइन के लिए हमें ये वाली बुकरम चाहिए। और जो ये हमारे गले की चौड़ाई है, ये 2.5 इंच लेनी है हमने, 5.5, 3.5 इंच हमने लेनी है। और जो गले की डीपनेस है वो हमने यहाँ से लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी। गले की डीपनेस हमने यहाँ टेढ़ी लेनी है, जितना भी गला हमने डीप करना है, जैसे हमने ये 7.5 डीप करना है, तो हम इसे यहाँ पे निशान लगा के इसे ऐसे बना लेंगे। और इसमें जो भी आप शेप बनाना चाहते हो, जैसे हमने ये वाली स्वीट हार्ट शेप बनानी है, कोई भी शेप आप बना रहे हो, ये देखिए एक हमारी ऐसी शेप कट गई है। अब हम जैसे और कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, ये हमने 7.5 इंच ले लिया, यहां से हमने गोल कटिंग करनी है, जैसे ऐसे हम गोल का निशान लगा लेंगे। ये हमारा गोल गला कट गया। अब हम कुछ और शेप बनाते हैं। ये हमने जैसे अभी कोई और शेप बनानी है, 7.5 इंच का हमने निशान लगा लिया। गले की जो डीपनेस है वो हम किसी भी बंदे के अकॉर्डिंग रखेंगे, जैसे जिसको जितना गला बड़ा चाहिए, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, कि हर बंदे की अपनी चॉइस होती है कि हमने डीप डालना है कि थोड़ा ऊंचा गला डालना है। ये 7.5 इंच गले का मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ, आप कोई भी शेप इसमें बना सकते हो, किसी भी साइज में। ये देखिए ऐसे, देखिए ये हमारा गला कट के रेडी है। आप किसी भी शेप में कोई भी गला काट सकते हो, इसमें कोई मतलब अलग अलग आपने पैटर्न नहीं लेना। ये देखिए हमारे किसी भी शेप में काट सकते हो, गोल काट सकते हो, स्क्वायर काट लो, चाहे आप ये स्वीट हार्ट काट लो, कोई भी शेप काट सकते हो। थैंक यू।